Can I be there? सबसे पहले भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज इस नॉकआउट प्रोग्राम में पहुंचे सभी लोगों का मैं जनकपुरी की जनता की ओर से स्वागत करता हूं और सभी आए मेहमानों को जो आज यहां पर इस कंपटीशन में भाग लेने आए हैं, मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो यहां से जीत के ही जाएं और पूरी मेहनत के साथ इस नॉकआउट कार्यक्रम को भी सफल बनाएं और खुद जीतने के लिए प्रयास करें। और बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 10 देशों से खिलाड़ी आए हुए हैं इस नॉकआउट कार्यक्रम के अंदर अपना भाग लेने के लिए। मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो भी अपने देश का नाम रोशन करने के लिए पूरी कोशिश करें। इस नॉकआउट कार्यक्रम को आयोजन करने वाली समिति जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और साथ में उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ कि आगे चल के वो और भी अच्छे अच्छे कार्यक्रमों को आयोजित कर सकें और दिल्ली सरकार में भी दें तो कुछ वहाँ से भी आर्थिक मदद मिले ताकि आप लोग आराम से इसको और बड़े तरीके से प्रायोजित करें प्रोग्राम को। मैं शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी जनकपुरी की जनता की तरफ से सब लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं आज पहली बार आपसे मिल रहा हूँ और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ क्योंकि ये आप ही का प्रयास है जिसके माध्यम से ये नॉकआउट कार्यक्रम हो रहा है और सबसे बड़ी बात मेरी जनकपुरी में हो रहा है। इसके लिए एक बार मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपकी और आपकी अकेडमी जो है उसकी सफलता की कामना करता हूँ। जय हिंद। आज के कार्यक्रम नॉकआउट के आयोजक जो ये कार्यक्रम एमएमए तो उसके बारे में ये पहली बार ऐसा है जो इस कार्यक्रम में मैं सभी को हुआ हूँ। बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी मुझे नहीं है और ऑलरेडी ये इंडिया के अंदर ये खेल बहुत ज़्यादा प्रचलित भी नहीं है जैसे कि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर ये खेल अपनी रक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है और इन जनरल ज़्यादातर वहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो मैं सर्वप्रथम हमारे जनकपुरी क्षेत्र के विधायक हमारे माननीय विधायक श्री राजेश मिश्री जी नॉकआउट के जो आयोजन कर रहे हैं उसमें हमारे मिस्टर जे के सिंह साहब हैं और हमारे यादव जी हैं चंदन यादव जी और इन लोग काफ़ी इस कार्यक्रम में काफ़ी दिनों से ये कार्यक्रम के लिए कॉन्टैक्ट में थे और ये हो रहा था कि कार्यक्रम होना है बहुत सुनिश्चित है तो मैंने कहा जरूर भाई इस कार्यक्रम में मुझे आना भी है और मैं देखूंगा भी कि ये कार्यक्रम कैसा होता है और कैसा नहीं होता है। और हमारे साथ विदेश की राजा जी हैं जो पूर्वांचल के अच्छे नेताओं में से उभरकर युवा नेता हैं और इन सभी और जितने सम्मानित साथी बन रहे हैं बच्चे और बुजुर्गों और जितने माताएं बहने हैं सभी को मैं एक बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं अपने आप में ये गर्व करता हूं कि हमारे पूर्वांचल के चंदन भाई और मिस्टर जेपी सिंह जैसे ऐसे लीडर्स कहा जाए क्योंकि वो एक नई चीजें अपने समाज के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने इंडिया में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इससे हमारी जो यंग जनरेशन है वो हेल्थ के हिसाब से भी और अपने रक्षात्मक दृष्टिकोण से भी वो अच्छी से अच्छी जो है
सेवा अपने आप के लिए दे सके और अपने देश के लिए अच्छा कर सके। माने राय जी से ट्रॉफी प्रदान करें और विनर को विनर सर्टिफिकेट प्रदान करें।